मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि एनआईए को अपने इस मिशन 56 में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की गई है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में हुई है। 150 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग 56 इलाकों में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े जो लोग हैं उनके घर पर यह कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार, 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। देश में विदेशी साजिश में शामिल लोगों के घरों पर रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई। सरहद पर साजिश रचने वालों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आतंक के आकाओं पर नकेल कसने के लिए टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 56 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गांदरबल, शोपियां, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में की गई इस छापेमारी में एनआईए ने आतंकी साजिश से जुड़े कुछ बेहद अहम सबूत जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। सुबह करीब 5 बजे से ही एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने संदिग्ध इलाकों पर अपनी दबिश देनी शुरू कर दी। दरअसल एनआईए की खुद की रिपोर्ट पर कुछ महीने पहले जमात इस्लामी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने सबसे बड़े छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इस छापेमारी टीम में एनआईए के 5 SP और 150 के करीब अधिकारी शामिल थे। इस रेड को किश्तवाड़, डोडा, रामबन, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर जैसे जिलों में अंजाम दिया गया। एनआईए ने इस मामले से जुड़ा केस 5 फरवरी 2021 को रजिस्टर किया था। जमात इस्लामी नाम के जिस संगठन से जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी की गई, उन पर आरोप है कि ये लोग सरहद के भीतर और बाहर से जकात, मौदा और बैतुल मल के रूप में चंदा इकट्ठा करते थे। इस चंदे को इकट्ठा करने के दौरान बताया जाता था कि इसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई थी कि इस फंडिंग का इस्तेमाल ना सिर्फ घाटी में हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था बल्कि इस फंड को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इकट्ठा किया जाता था। इतना ही नहीं, जमात इस्लामी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़का कर आतंक की आग में झोंकने का भी काम करता था। यही वजह थी कि साल 2019 में ही जमात इस्लामी नाम के इस संगठन को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रही। में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सैलाब ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से सैलाब से हुई तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध शहर शहर कहर बनकर लोगों की जिंदगी पर टूट रहा है। सैलाब के कहर से सहमे शहर, राजस्थान में बर्बादी की बारिश, मध्य प्रदेश में सैलाब का सितम। दरिया में तब्दील देश की राजधानी,
राजस्थान के कोटा में सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। यहां का सांगोद इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कंधे तक भरे पानी के बीच लोग सड़क के बीचों बीच तैरते दिखाई दे रहे हैं। जहां कभी गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीम यहां दिन रात बचाव कार्यों में जुटी है। सांगोद में सैलाब की ये चुनौती किस कदर बड़ी हो चुकी है इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे, आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। और आइए अब आपको उस बांध की रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिस बांध की वजह से कोटा शहर का ये हाल हो चुका है। इस वक्त हम कोटा के कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज से जो पानी अभी तक डिस्चार्ज हो रहा है वो 2500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी एक गेट खुला है, दो दिन पहले तक यहाँ पर तीन गेट खुले थे, अब डिस्चार्ज कुछ कम हुआ है। लेकिन ये जो पानी का डिस्चार्ज है, जैसे ही कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी आती है उसमें चंबल में उफान के बाद में मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के गेट जैसे ही खोले जाते हैं उसके बाद में जवाहर सागर होते हुए यहाँ कोटा बैराज तक पानी पहुँचता। टोंक जिले से आई इन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब को चीर कर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है कि अचानक ही लहरों की ताकत के आगे मशीन की ताकत जवाब दे जाती है और ट्रैक्टर संतुलन खोकर सैलाब में समा जाता है। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार सभी चारों लोग पानी की तेज धार में बहने लगे, लेकिन तभी विनोद चौधरी और नटवर मीणा नाम के शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में लोगों की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद पानी में डूब रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर पर के उधर से, तो रस्ते में क्या उनको पानी ज्यादा आने के कारण गिर गया नीचे, उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दिया उसमें और दो बच्चे की जान बचा ली हमने। शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके में सिंध नदी अचानक उफान पर आ गई, जिस वजह से टपरिया गांव के सैकड़ों लोग सैलाब में घिर गए। गनीमत इस बात की रही कि एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिस वजह से गाँव के 260 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा सका। दरअसल शिवपुरी में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सिंध नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। गांव वाले सैलाब के इस कहर से इस कदर डरे और सहमे हैं कि नदी की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। सैकड़ों की तादाद में नदी किनारे जमा लोग सैलाब की वापसी की दुआएं मांग रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत की तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ जिले से आई हैं। यहाँ के झाड़पुला इलाके में पहाड़ी रास्ते के किनारे बने एक होटल का बड़ा हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि एहतियात के चलते होटल को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अचानक बढ़े पानी का कहर मवेशियों पर टूट पड़ा। गंगा का पानी कछुआ थाना इलाके के गांव में कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। आलम ये हो गया कि भटौली पुल पर खड़े तमाम लोगों के सामने उनके पालतू पशु बहते नजर आए, बावजूद इसके उन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की दुश्वारियां और बढ़ती चली जा रही है। राजधानी के कई इलाके दरिया में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। पानी पानी हुई राजधानी की एक तस्वीर ये भी सामने आई, जब बारिश की वजह से अचानक कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। देश के अलग अलग हिस्सों से आई सैलाब की तस्वीरों के बाद अब ताइवान की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ के काओसियंग सिटी में सैलाब की टक्कर ने एक झटके में इस पुल को ध्वस्त कर दिया।
टाइफून लुपिट की वजह से आए सैलाब ने पल भर में यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। ये तस्वीरें बताती है कि कैसे कुदरत के कहर के आगे हर चीज बेबस हो जाती है। एक तरफ भारी बारिश और बाढ़ मुसीबत का सबब बनी हुई है तो दूसरी तरफ अमेरिका, तुर्की और ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने कोहराम मचा रखा है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी आग को जहां इतिहास की सबसे भयंकर आग बताया जा रहा है, तो वहीं तुर्की और ग्रीस में भी दावानल हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। खबर तो ये भी है कि जिन जिन इलाकों में आग लगी हुई है वहां से हजारों की संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह आग जिक्सी फायर का उत्तरी कैलिफोर्निया पर कहर। ग्रीस और तुर्की में भी आग का तांडव। हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के अलावा ग्रीस और तुर्की में आग ने भयावह तबाही मचाई है। जिक्सी फायर ने जहां उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों को अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं बीते कई दिनों से ग्रीस और तुर्की के अलग अलग इलाकों में लगी वाइल्ड फायर से हजारों परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी इस आग को इतिहास की सबसे भयावह आग माना जा रहा है। हजारों हेक्टेयर में फैले इस दावानल ने कुदरत के संसाधनों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। तेज हवाओं की वजह से आग लगातार प्रचंड रूप लेती जा रही है। आलम यह हो चुका है कि अब तक हजारों घर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। कैलिफोर्निया के वन एवं सुरक्षा विभाग के मुताबिक जिक्सी फायर शनिवार रात तक 1813 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुकी है। इस पर अब तक महज 21% ही काबू पाया जा सका है। आग की उड़ती लपटों ने स्थानीय लोगों के सामने भयावह मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पहले भी इस तरह के अग्नितांडव का शिकार हो चुकी केसिया स्टड बेकर इस बार लगी आग की वजह से बेहद जली हुई हैं। हमें पता था कि जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं हुई है और आग लग सकती है, लेकिन हमने इस तरह की डरावनी आग की कल्पना नहीं की थी। इस आग की वजह से ग्रीन वेले इलाके में भारी तबाही हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ग्रीन वेले इलाके में 370 से ज्यादा घरों को आग ने अपनी जद में ले लिया है। सियेरा नेवाडा में करीब 14,000 इमारतों पर अग्नितांडव का खतरा मंडरा रहा है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी का एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में आ चुका है। उधर तुर्की और ग्रीस में भी जंगलों में लगी आग भयावह तबाही का सबब बनी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात जुटे हैं। बावजूद इसके गर्म हवाओं वाले मौसम के बीच आग लगातार अपना कहर बरपा रही है। आग के इस भयावह मंजर के बीच सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, जबकि अभी भी हजारों परिवारों पर आग का खतरा मंडरा रहा है। आग से बर्बाद हुए इलाके को देखकर स्थानीय लोगों के बीच दहशत बनी हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। ये एक भयावह त्रासदी है। मुझे वास्तव में डर है कि अब शायद हमारे बच्चे ही इन आग से तबाह हुए इलाकों में चल फिर सकेंगे। जिन्होंने इस आग की वजह से अपना सब कुछ खो दिया है वो इस वक्त बेहद सदमे में हैं। मेरे बेटे ने घर में रखी टीवी को अपने सामने जलते हुए देखा है। वो अभी भी सदमे से रो रहा है। अमेरिका, तुर्की और ग्रीस में लगी ये आग कब बुझेगी, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जो लगातार इस भयावह आग के बीच जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हुए हैं।